हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग अपने स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का एक छोटा सा वीडियो और देखते हैं, जो कि लास्ट पार्ट है आज। और इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, जो कि क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, और अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि दो ट्रेन हैं, 100 मीटर एंड 95 मीटर लॉन्ग, एंड दे रेस्पेक्टिवली पास ईच अदर इन 27 सेकेंड्स व्हेन दे रन इन सेम डायरेक्शन एंड इन 9 सेकेंड्स व्हेन दे रन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो बहुत अच्छी बात है, स्पीड पूछिए दोनों ट्रेन की क्या होगी। तो देखिए, इसमें हमें दोनों ट्रेन की स्पीड नहीं दे रखी है, लेकिन ये बात हमको पता है कि एक 100 मीटर लंबी और दूसरी 95 मीटर लंबी है। जब दोनों एक दूसरे की दिशा में चलती हैं, सेम डायरेक्शन में एक ही दिशा में चलेंगी, तो उनको 27 सेकेंड लगते हैं एक दूसरे को क्रॉस करने में। और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रन करेंगी तो 9 सेकेंड लगते हैं। तो भाई, मैंने आपको बताया था कि अगर ये ट्रेन है हमारे पास, ये मान लीजिए ए ट्रेन है और ये हमारे पास दूसरी ट्रेन बी है, और इसकी जो लंबाई है वो हमने कह दिया 100 मीटर दी हुई है, और इसकी जो लंबाई है वो हमने कह दिया 95 मीटर दी हुई है। हमने कह दिया कि ये इस दिशा में चल रही है, इसकी वेलोसिटी इस दिशा में x मान लेते हैं, और ये वाली इस दिशा में चल रही है और इसकी वेलोसिटी इस दिशा में y मान ली जाएगी। तो एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये इधर चल रही है और ये इधर को चल रही है, ये भी x है और ये y है, स्पीड तो चेंज होगी नहीं। एक बार वो दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, क्योंकि ये डायरेक्शन क्या है, सेम है, एक ही दिशा में चल रहे हैं, और एक बार दोनों क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शंस में चल रहे हैं, जो कि नीचे वाली कंडीशन है जिसमें कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। आपसे पूछता है कि जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, तो वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं, और दोनों एक दूसरे को क्रॉस कितने सेकंड में करते हैं, 27 सेकंड्स में। तो क्या मैं यहाँ से पहली इक्वेशन निकाल सकता हूँ? तो मैं पहली इक्वेशन इस वाले फॉर्मूले में, मतलब कि इस वाली कंडीशन को लेकर के कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने बताया था जब दोनों सेम दिशाओं में स्पीड चलती है तो दोनों क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं स्पीड, क्योंकि एक को रोकना पड़ता है। मेरी पुरानी वीडियोज़ आप देख लीजिए। तो अब यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो दोनों के लिए जो डिस्टेंस है टोटल, वो कितनी हो गई, दोनों की लेंथ जोड़ दी जाएगी। मैं अपने लास्ट वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ। तो इसका मतलब है कि एक ही फॉर्मूला हम लोगों को यहाँ पर अप्लाई करना है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब अगर मैं कहूँ यहाँ पे स्पीड कितनी है हमारी, तो आप सीधी सी बात बताएंगे कि यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस वाई। तो इसका मतलब हमारी जो x माइनस वाई है स्पीड, रिलेटिव स्पीड, वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, 195, क्योंकि दोनों की लेंथ ऐड कर देंगे हम लोग, और हमारे पास टाइम कितना है, 27 सेकेंड्स। तो ये हमारे पास 27 आ गया। अब इसी तरीके से मैं दूसरी इक्वेशन बना सकता हूँ नीचे वाली कंडीशन को लेकर के। इस कंडीशन में मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरी जो डिस्टेंस, मतलब स्पीड जो है, वो x प्लस वाई हो गई, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जुड़ जाएगा। और यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या लिख सकता हूँ, अब मैं टोटल लेंथ, टोटल लेंथ का मतलब कितना हो गया मेरे पास, 195, और यहाँ पे टोटल डिस्टेंस, सॉरी, इन दोनों के जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 9 सेकेंड्स। तो ये मेरे पास यहाँ पर आ गया। अब देखिए, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, मैंने इक्वेशन सॉल्व करना भी आपको सिखाया था। दो अननोन हैं, दो इक्वेशन, जितने अननोन होते हैं उतने ही इक्वेशन चाहिए पड़ती है सॉल्व करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को जोड़ दूँगा सिंपल से। मेरे जोड़ने से फ़ायदा क्या होगा कि ये माइनस वाई है और ये प्लस वाई है, तो ये वाई और ये वाई क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और ये एक्स प्लस एक्स कितना हो गया मेरे पास, 2x। अब मैं इस 2x को क्या लिख सकता हूँ, देखिए ये दोनों भी आपस में जुड़ जाएंगे, और आपस में अगर जुड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 195 अपॉन 27 प्लस क्या आ गया, 195 अपॉन 9, ये आ गया मेरे पास, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, x की वैल्यू को इस इक्वेशन को सॉल्व कर लूँगा और मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं सीधे से क्या करूँगा, 195 मुझे कॉमन दिखाई पड़ रहा है, मैं यहाँ पे 195 कॉमन कर ले रहा हूँ, और नीचे में क्या कॉमन है, 9, तो मैं 9 कॉमन कर रहा हूँ। बताइए इस वाले में क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 1 और नीचे आ जाएगा 3, ठीक है, बस अब इसको सॉल्व करना ही रह गया है। और फिर इसी तरीके से इस वाले का क्या आएगा, इस वाले का तो पूरा पूरा ये बाहर आ गया है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा, 1 अपॉन 1। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना आया, 3 और 1 का एलसीएम 3, तो इधर आ जाएगा आपके पास 1 और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, मतलब कि ये वाली जो इक्वेशन है ये सॉल्व होकर के क्या बन जाएगी, 4 अपॉन 3। तो इसका मतलब क्या कि मैं इसको हटा करके यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, सिंपल 4/3। तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ और यहाँ पे सिंपली क्या लिख दे रहा हूँ, 4/3।
3, ये मेरे पास आ गया जोड़ करके, किसके बराबर है ये 2x के बराबर। अब मैं ये 2 1 2 और ये मेरे पास यहाँ पे 4 था तो 2 2 4 ये कैंसिल हो गया मेरा। अब देखिए क्या ये कट सकते हैं, बिल्कुल कट जाएंगे, 3 1 3 और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3 6 18 और कितना बचा 1 तो 3 5 15। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, ये x की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, x इज इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है भाई 65 × 2 और अपॉन में क्या है 9, तो ऊपर तो बन गया 130 65 × 2 और नीचे अपॉन में क्या लिखा हुआ है 9, तो ये मेरे पास यहाँ से x की वैल्यू मिल गई। तो इसी तरीके से अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मतलब कि इस x की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में रख दो तो y की वैल्यू मिल जाएगी, या इस वाली इक्वेशन में रख देना तो y की वैल्यू मिल जाएगी, बस अब इसको सॉल्व करना ही बाकी रह गया है। ठीक, बस एक चीज़ याद रखिएगा, ये मीटर पर सेकंड में है, अगर आपको किलोमीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो आप चेंज करवा सकते हैं। कैसे चेंज करवाया जाता है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर सेकंड में, मैं आपको बता चुका हूँ मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करवाते हैं। हमारे पास अगर मीटर पर सेकंड हो तो इसे किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करना है, ऊपर मल्टीप्लाई किस चीज़ का हो जाएगा, मैंने आपको बताया था इससे पहले भी, दो टर्म्स आते हैं एक जगह तो हम लोग करते हैं 18/5 या हमको करना होता है 5/18, क्योंकि अब ये पलट गया है हमको इसको बड़ा करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 18 का और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं 5 का। और अगर किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में करना होता है तो मैंने बताया था ऊपर किलोमीटर है, तो इस वजह से ऊपर क्या आ जाता है 5 और नीचे आर से तो नीचे क्या आ जाता है 18, तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में आपको ये सब बता रखा है। चलिए, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि इसमें कहता है इन अ 1 किलोमीटर रेस ए बी एंड सी आर 3 पार्टिसिपेंट्स, ए कैन गिव बी अ स्टार्ट ऑफ 50 मीटर। पहले तो इस क्वेश्चन को समझ लीजिए अच्छे से, क्या कह रहा है ये, इसको इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है कि ये तीनों जब रेस स्टार्ट करेंगे तो ये जो दूसरी लाइन लिखी हुई है कि ए कैन गिव बी अ स्टार्ट ऑफ 50 मीटर, ए जो है वो बी को 50 मीटर की स्टार्ट देता है, इसका क्या मतलब है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर रेस है, हमने कहा कि एक्स पॉइंट से वाई पॉइंट तक जाना है और ये जो है ये हमने कह दिया 1000 मीटर की रेस थी, और अगर इसमें ए वाला और बी वाला स्टार्ट करें यहाँ से और ए वाला अगर बी वाले को 50 मीटर की लीड दे रहा है या 50 मीटर का स्टार्ट दे रहा है, तो ए वाला बी से कहता है कि तुम भैया 50 मीटर आगे खड़े हो जाओ तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सीधा सा मतलब है। तो अगर ये बी वाला इससे 50 मीटर आगे भी खड़े हो जाएगा, मतलब कि ए वाला बी को 50 मीटर की स्टार्ट दे रहा है, कह रहा है कि जाओ 50 मीटर तुमको छूट दी मैंने, तो इसका मतलब बी वाला अब सिर्फ कितना चलना है 950 मीटर। मतलब कहने का कि ए वाला जितने टाइम में 1000 मीटर पूरी ट्रैवल करेगा, बी वाला उतने ही टाइम में कितना ट्रैवल कर सकता है 950 मीटर। और अगर ए वाला सी वाले से कहे कि तुमको मैं स्टार्ट देता हूँ 69 मीटर्स का, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि तुमको स्टार्ट दे रहा हूँ 69 मीटर्स का, इसका मतलब है कि ए वाला सी से कह रहा है कि तुम भैया 69 मीटर आगे खड़े हो जाओ, इसका मतलब है कि जो सी वाला है वो सी वाला अब केवल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 931 मीटर की। तो जितने टाइम में ए वाला 1000 मीटर चलता है, बी वाला 950 मीटर चलेगा और सी वाला 931 मीटर चलेगा, ये इस क्वेश्चन, ये इस तरीके के क्वेश्चंस की थीम होती है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि ए वाला जितने समय में 1000 मीटर चल रहा है, बी वाला उतने ही समय में केवल 950 मीटर चल रहा है और सी वाला उतने ही समय में कितना चल रहा है 931 मीटर। तो अब आपसे इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, इसमें कहता है आपसे कि द स्टार्ट विच बी कैन अलाउ सी, कि बी वाला सी को कितना स्टार्ट दे सकता है इसी रेस में, मतलब कि ये जो बी वाला है ये बी वाला सी वाले को कितना स्टार्ट दे सकता है। तो अब आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले सोचिए कि बी वाला सी वाले को स्टार्ट देने का मतलब है कि बी वाला पूरी रेस कंप्लीट करे पहली बात, और सी वाला उतने ही समय में कितनी दूरी चलेगा, जैसे कि
ए वाला पूरी रेस कंप्लीट करने का मतलब, ए वाला अगर पूरी रेस कंप्लीट करेगा तो 1000 मीटर उसको लगेगा चलने में, और बी वाला उतने ही टाइम में सिर्फ कितना चलता है 950। तो हम बोलेंगे कि ए वाले ने बी वाले को 50 मीटर की लीड दे दी या 50 मीटर का स्टार्ट दे दिया। अब हम ये अगर निकाल लें कि बी वाले को 1000 मीटर चलने में कितना समय लग रहा है, बी वाले को 1000 मीटर चलने में कितना समय लग रहा है, और उतने ही समय में सी वाला कितना चल पा रहा है, तो हमको रिलेशन पता चल जाएगा बी और सी के बीच में कि बी वाला सी को कितना स्टार्ट दे सकता है। तो चलिए अब हम लोगों का मेन मकसद यहाँ पे क्या है कि बी वाले का टाइम निकालते हैं कि बी वाला 1000 मीटर को ट्रैवल करने में कितना समय लेगा। तो बहुत आसान सा है, अगर हम कह दें कि यहाँ पे जो शुरुआत में लगने वाला जो समय था कि ए वाला 1000 मीटर को हम कह दे रहे हैं चलो एक्स समय में ट्रैवल करता है, एक्स टाइम लगता है ए वाले को 1000 मीटर चलने में, तो बी वाले को 950 मीटर चलने में एक्स समय लगेगा और सी वाले को 931 चलने में एक्स समय लगेगा। समय तो किसी का चेंज होगा नहीं। तो अब इसी चीज़ को अगर हम लोग कहें कि बी वाला 1000 मीटर, देखिए फार्मूला क्या है मेरे पास, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसके अलावा कोई फार्मूला यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं शुरुआत से। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए बी वाले को 1000 मीटर चलने में कितना समय लगा, तो इसका मतलब है कि अब मैं आपसे बी वाले के लिए टाइम पूछ रहा हूँ, टाइम ऑफ बी। तो टाइम ऑफ बी अगर किस क्या करना पड़ेगा हमें, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 1000 मीटर, 1000 मीटर चलना है, और बताइए स्पीड कितनी है बी वाले की। तो मैंने यहाँ पे बी वाले की स्पीड अगर आपसे पूछी तो देखिए मैंने समय क्या एज्यूम किया था शुरुआत में, एक्स, और डिस्टेंस कितनी है 950। तो मैं अगर यहाँ पे बी वाले की स्पीड लिखना चाहूँ तो मैं स्पीड क्या लिखूँगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस बी वाला चलता था 950 और टाइम बी वाले ने कितना लगाया था एक्स, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। अब इस एक्स को मैं ऊपर ला सकता हूँ जैसा कि मैं बार बार करता हूँ हमेशा, तो इसका मतलब है कि मैं इसको लिख सकता हूँ 1000 अपॉन 950 एक्स, 1000 अपॉन 950 एक्स, ये मैं लिख सकता हूँ। अब मैंने कहा आपसे कि बी वाला जितने समय में 1000 मीटर चलेगा, तो हमको ये पता लगाना है कि सी वाला उतने ही समय में कितनी दूरी चलेगा, तो हमको सी वाले की दूरी निकालनी है। तो अब आप बताइए अगर मैं सी वाले की दूरी आपसे निकालने को बोलूँगा तो फिर से फॉर्मूला वही लगाएंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड, सी वाले की स्पीड कितनी है, सी वाले की स्पीड है 931 अपॉन एक्स, अभी आपको बताने की आवश्यकता तो है नहीं, मैं बता चुका हूँ इस वाले क्वेश्चन में क्लियर, ये सी वाले की स्पीड है, और सी वाले को इस स्पीड से कितनी दूरी कितने समय में चलना है, टी बी वाले समय में, क्योंकि बी और सी में कंपैरिजन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास अब ये टी बी कितना आ गया, 1000 अपॉन 950, और ये एक्स, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा इसमें अपना दिमाग लगाइए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखिए ये x और x कैंसिल हो गया, और इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो हमारे पास दिखाई पड़ेगा ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, और ये यहाँ पे 5 से चला जाएगा, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 0, ठीक है। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 19 के पहाड़े से चला जाएगा, 19 1 जा 19, और 19 4 जा 76, ठीक है, 171 बचा, तो 171 19 9 जा, तो ये 9 हो गया, तो इसका मतलब हो गया मेरे पास 49 into 20, ठीक है। तो 49 into 20 कितना आ गया, 980, ठीक। तो इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस सी वाला ट्रैवल करेगा वो करेगा 980 मीटर, मतलब कि अगर बी वाला 1000 मीटर चलता है तो सी वाला कितना चलता है, 980 मीटर उसी समय में। तो बी वाला सी वाले को कितने की स्टार्ट दे सकता है, 20 की, बी वाला सी को कितने की स्टार्ट दे सकता है, 20, क्योंकि 1000 चल रहा है, ये 980 चल पा रहा है उतने ही समय में, तो 20 मीटर की वो स्टार्ट दे सकता है, कहेगा कि आप 20 मीटर आगे चले जाओ, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को फिर से लगा करके देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा घूमा हुआ है लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन 2-3 आपको दिखाई पड़ते हैं एग्ज़ाम में, और
अगर आप इस अप्रोच से चलेंगे तो आप इसको तुरंत कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है ये क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहता है कि एक रेस हो रही है 100 मीटर की, जिसमें कि कमल डिफीट्स बिमल बाय 5 सेकेंड्स। अब वहाँ पे स्टार्ट मिल रहा था डिस्टेंस के टर्म्स में, और यहाँ पे जो हमें स्टार्ट मिल रहा है वो किस टर्म्स में आ रहा है, कि जो जीत हार हो रही है वो टाइम के टर्म्स में हो रही है। इफ़ द स्पीड ऑफ कमल इज़ 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो स्पीड ऑफ बिमल उसने पूछा है। बहुत आसान सा सवाल है। आप इस क्वेश्चन में क्या करिए कि आपको दिया हुआ है कि 100 मीटर की रेस है और कमल डिफीट कर रहा है बिमल को 5 सेकेंड में। कमल की स्पीड कितनी है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और टोटल रेस कितने की है? 100 मीटर प्रति सेकंड। अब आप 18 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में पहले तो कन्वर्ट कर लो, तो मीटर पर सेकंड में इसे कन्वर्ट करने का मतलब कितना हो गया, 5/18 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो हमारे पास कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकंड। ये कमल की क्या आ गई, स्पीड आ गई, ठीक। तो हमने कह दिया कि जो कमल की स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। कमल, कमल से याद आने लगता है भाजपा के बारे में, ठीक है, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। चलिए, प्रधानमंत्री हैं आपके देश के, भला करेंगे। SK इज़ इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। अब कमल की स्पीड 5 मीटर प्रति सेकेंड है और कमल ने टोटल जो डिस्टेंस चली है वो कितनी चली है, 100 मीटर की। तो आप बताइए कमल को चलने में जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है भाई। स्पीड इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टोटल जो रेस थी वो 100 मीटर की थी और स्पीड कितनी है हमारे पास, 5। तो इसका मतलब कितना आ गया, 5×2=10, 20। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल जो टाइम लग रहा है वो 20 सेकेंड्स लग रहा है कमल को। कमल को जो टाइम लग रहा है वो 20 सेकेंड। तो बताइए कमल को अगर इतना टाइम लग रहा है तो बिमल को कितना टाइम लगेगा, 5 सेकेंड ज़्यादा, क्वेश्चन में दे ही रखा है। तो बिमल को टोटल टाइम लग रहा है 25 सेकेंड का। अब आपसे पूछता है कि बिमल की स्पीड क्या होगी, तो भाई फिर से वही चीज़, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम जानते हैं कि अगर बिमल की स्पीड चाहिए तो बिमल की डिस्टेंस 100 मीटर और टाइम कितना लग रहा है, 25। तो 25×100, तो इसका मतलब बिमल की स्पीड कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन भी इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा अगर आपसे कहा जाए। फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे हमसे क्या कहता है, बोल रहा है कि एक रेस हो रही है, ठीक। इस रेस में 1000 मीटर की ये रेस है। इन अ रेस ऑफ 1000 मीटर ए कैन बीट बी बाई 100 मीटर, इन अ रेस ऑफ 400 मीटर बी कैन बीट बी सी बाई 40 मीटर। तो 500 मीटर की अगर रेस होगी तो ए वाला सी को, अब देखो भाई ए वाला सी को बीट करने के लिए पूछ रहा है। तो एक रेस हो रही है 1000 मीटर की, जिसमें कि ए वाला बी को बीट करता है 100 मीटर से, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब कोई रेस है, तो हमने कहा कि कोई रेस हो रही है, ये रेस है हमारे पास, एक्स पॉइंट से वाई पॉइंट तक जाना है। तो ए वाला अगर 1000 चल रहा है, हमने कह दिया ए वाला अगर 1000 चल रहा है, तो जो बी वाला है ए कैन बी बीट बी बाई 100 मीटर, ए कैन बीट बी बाई 100 मीटर। तो बताओ मुझे कि जो बी वाला है वो बी कितना चलेगा, 900 मीटर चलेगा। अगर ए वाला 1000 मीटर चलता है तो बी वाला सिर्फ कितना चलेगा, 900 मीटर, उसी समय में, टाइम सेम रखना है हमें, तो उतने ही समय में ये सिर्फ 900 मीटर चल पाएगा। और अगर 400 मीटर की रेस होती इन अ रेस ऑफ 400 मीटर, अब ये दूसरी बात कह रहा है, इन अ रेस ऑफ 400 मीटर बी बीट्स सी बाई 40 मीटर, वेरी गुड। तो अगर 400 मीटर की कोई रेस हो तो 400 मीटर की रेस हम कह दे रहे हैं कि ये हो रही है 400 मीटर की रेस, तो बी के नीचे हमने 400 लिख दिया, और इधर सी हमारा एक बंदा और है जो कि यहाँ पे है, और ये जो सी वाला है ये इसमें कितना चल पा रहा है, कितने की इसको लीड मिल रही है, 40 की, तो ये सिर्फ कितना चल पाएगा, 360 चल पाएगा। तो अगर बी वाला 400 चलता है तो सी वाला 360 चलता है, क्योंकि बी बीट्स सी बाई 40 मीटर, ये कोई अलग रेस है। अब कहता है एक नई रेस अगर करवाई जाए तो 500 मीटर ए चले तो बी वाले को कितने से बीट कर देगा, वेरी गुड। कहता है कि अगर एक नई रेस हो और उस नई रेस में ए वाला कितना चले, 500 चले, ए वाला अगर 500 चले तो बताओ कि सी वाले को, ए जो है वो सी वाले को कितने से बीट करेगा। तो इसके लिए पहले मुझे बी और सी के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा कि क्या रिलेशन आ रहा है, फिर ए और बी, और फिर इन तीनों को रिलेट करना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं इस चीज़ को। ए वाला 500 मीटर चले, अगर ए वाला 500 चले तो देखिए 1000 का आधा हो गया,
500 हो गया, तो जो बी वाला 900 चल रहा था इस ऊपर वाली कंडीशन में, जो ऊपर वाला मैंने केस बनाया था, ठीक है, इसमें सी का कुछ पता नहीं था, तो ये इस कंडीशन में अगर हम बी वाले को कहेंगे तो बताओ कि बी वाला कितना चलेगा, 450 चलेगा भाई, इसको आधा कर दूंगा तो ये भी आधा हो जाएगा, तो अगर ये 500 चलता है तो ये 450 चलता है। अब आप देखो ये डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पे, अगर ये 400 चले तो सी वाला कितना चलता है, 460। अगर हमारी स्पीड और टाइम में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो अगर मैं इस डिस्टेंस को 450 करता हूँ तो मैं कह दे रहा हूँ कि ये जो सी वाला है ये कितना चलेगा, एक्स चलेगा। स्पीड में कोई बदलाव हो नहीं रहा है, बी की भी वही स्पीड बनी हुई है, सी की भी वही स्पीड बनी हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सब आपस में कैसे रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड हैं। तो ये मैं ऐसे कर दूं अगर यूनिटरी मेथड जो आपने बचपन में सीखा है, तो क्या मिल जाएगा आपको, इन दोनों का जो आएगा वो हो जाएगा 400x, और ये 400x किसके बराबर हो जाएगा, 450 × 360, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे मिल गया, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 450 × 360 / 400। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल, ये एक ज़ीरो उड़ गया, ये एक ज़ीरो उड़ा देंगे, और ये फोर यहाँ गया, 4 × 1 = 4, और ये 4 × 9 = 36, फिर 45 × 9। कहने का क्या मतलब है, x की वैल्यू मिल गई मुझको, x की वैल्यू कितनी आ गई, 45 × 9। 45 × 9 कितना आ जाएगा भाई, 59 यहाँ पर कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 5 × 9 = 45, 9 × 4 = 36 + 4 = 405। तो अब देखो भाई, ये A वाला 500 मीटर चलता है, तो ये जो C वाला है ये कितना चलता है, 405 मीटर। तो इसका मतलब क्या है कि C वाला चल रहा है 405 और A वाला चल रहा है 500, कितने का लीड दे गया ये, 95 की, ठीक है। तो ये 95 की लीड हमको यहाँ पे मिल गई, मतलब A वाला C वाले को कितने से हरा देगा, 95 से हरा देगा। तो आप इस वीडियो को पॉज करके आराम से समझिए कि मैंने क्या बोला, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। एक बार में ये क्वेश्चंस आज के समझ में नहीं आने हैं, और ये क्वेश्चंस हैं बहुत सिंपल, एक बार अगर आप समझ गए तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकेंगे, ठीक। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, कहता है कि रवि के पास एक रोड मैप है विद अ स्केल ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। जैसे कि हम लोग मैप बनाते हैं तो छोटे छोटे स्केल से बड़ी बड़ी दूरियों को बताते हैं, तो इसमें कहता है कि 1.5 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 18 किलोमीटर को, तो वो अगर 72 किलोमीटर चले, ही ड्राइव्स ऑन दैट रोड फॉर 72 किलोमीटर, व्हाट वुड बी हिज डिस्टेंस कवर्ड इन दैट मैप, तो मैप में कितनी दूरी चलेगा। कहने का ये मतलब है कि अगर 1.5 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है कितना, 18 किलोमीटर, तो बताइए कि कितना सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा, 72 किलोमीटर। तो कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में, फिर से वही अभी जो मैंने यूनिटरी मेथड आपको इससे पिछले क्वेश्चन में करवाया था। तो 1.5 सेंटीमीटर 18 किलोमीटर के बराबर, तो x सेंटीमीटर 72 किलोमीटर के बराबर, तो 1.5 × 72 / 18 ये हमको क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू। तो आपको समझ में आ ही गया होगा यहाँ पे क्वेश्चन, तो आप कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 6 आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत सिंपल है, इसमें क्या कह रहा है, दो ट्रेन्स चल रही हैं, टू ट्रेन्स ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम एक्स एंड वाई स्टेशंस रेस्पेक्टिवली, आफ्टर पासिंग ईच अदर दे टेक 4 hours 48 minutes and 3 hours 20 minutes टू रीच वाई एंड एक्स रेस्पेक्टिवली, इफ़ ट्रेन ए इज़ मूविंग एट 45 km/h, तो ट्रेन बी की स्पीड उसने पूछी हुई है। अब इस क्वेश्चन को समझिए आप क्या कहता है, ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। आप ये समझिए कि ये एक्स पॉइंट है और ये यहाँ पे क्या है, वाई पॉइंट है। देखिए अगर क्वेश्चन समझ में आ गया आपको तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। कॉन्सेप्ट को समझिए, ये कहता है कि ए पॉइंट एक्स है और दूसरा पॉइंट स्टेशन वाई है, और यहाँ से एक ट्रेन चलनी शुरू हुई ए, और दूसरी ट्रेन यहाँ से चलनी शुरू हुई बी। ये ए वाला इस डायरेक्शन में चलना शुरू हुआ, बी वाला इस डायरेक्शन में चलना शुरू हुआ,
ठीक है। तो अब ये यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल दूरी है, ये टोटल दूरी है, ऐसे चलते हैं और एक पर्टिकुलर समय आता है कि दोनों एक दूसरे से मीट करते हैं। हमने कह दिया कि दोनों एक दूसरे से मीट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट करते हैं, ठीक है। कोई भी पॉइंट मान लो, ये पी पॉइंट पर मीट कर रहे हैं एक दूसरे से, और ये यहाँ पे मीट करने के बाद ए वाला इस डिस्टेंस को, यहाँ को जो ट्रैवल कर रहा है उसमें समय वो कितना लगा रहा है वो देख लो। इसमें समय लगा रहा है, दे टेक 4 hours 48 minutes and 3 hours 20 minutes टू रीच वाई एंड एक्स। मतलब कि ए वाला इतना घंटा लगा रहा है वाई तक पहुँचने में, मतलब कि ए वाला 4 hours 48 minutes, मतलब कि 48/60, ये आर्स में मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब आप सोचेंगे ये ऐसे कैसे, अरे ये 4 घंटा प्लस इसमें 48 मिनट, और मिनट को मैंने ऐसे कन्वर्ट करवा दिया आर्स में, तो ये पॉइंट इसको हटा देता हूँ और ये 4 48/60 बन जाएगा। 12 चौके 48, 12 5 60, तो कितना हो गया ये 4 4/5। इसको अगर सॉल्व करें तो 5 4 20 + 4 24, 24/5। तो मैं इसको हटा करके क्या लिख सकता हूँ, 24/5। तो चलिए मैं इसको लिख दूँगा 24/5, ठीक है। अब देखिए आगे समझते हैं इसमें क्या कह रहा है ये, कि यहाँ पे तो इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में इतना टाइम लगा, तो 24/5 ये लिख दिया मैंने। अब बताइए ये ए वाला इधर से इधर गया, इतना समय लगा। अब अगर ये जो बी वाला है ये इधर से इधर को आ रहा है और इसे कितना समय लग रहा है बोलिए। ये बी वाला इधर से इधर को आया, तो ये बी वाले को मैं नीचे यहाँ पे दिखा शो कर देता हूँ, और बी वाले को जो समय लग रहा है वो समय लग रहा है 3 घंटा 20 मिनट। तो 3 घंटे 20 मिनट का मतलब हो गया 320/60। इसको भी अगर सॉल्व कर लें तो ये 3 आ गया 3 1/3, मतलब कि 3 3 9 10/3, ठीक है। तो मैं इसकी जगह पे यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, 10/3। तो मैं इसको यहाँ पे रब करके लिख दे रहा हूँ कितना, 10/3 समय लग रहा है इसको, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ये कहानी हो गई सेट। अब देखो अगर ट्रेन ए मूव करती है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से, तो पूछ रहा है कि बी वाले की क्या स्पीड होगी। हमें बी वाले की स्पीड तो पता नहीं है, हमने कह दिया कि बी वाले की जो स्पीड है वो है एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मैंने कहा था कि ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पर मिलते हैं, पी पर अगर ये मिल रहे हैं तो हम कह दे रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो ये चला इसको चलने में समय कितना लगा, टी समय लगा। एज्यूम करवा लिया हमने कि इसको यहाँ से यहाँ तक समय लगा टी, इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा टी, दोनों को सेम समय लगेगा। तो यहाँ से यहाँ तक भी टी है, ये यहाँ से यहाँ तक भी टी है, तभी मिलेंगे, एक ही समय पे तो मिलेंगे। हम कह दे रहे हैं कि मान लो 10 बजे मिले, 5 बजे मिले, जितने भी बजे मिले एक ही समय पे मिलेंगे। तो जो भी समय पे ये मिलेंगे उस समय को हम लोगों ने बोल दिया कि वो सेम है। तो आप बताइए अगर ए वाला यहाँ से चलना शुरू करे और टी टाइम तक चलता रहे, तो ये जो डिस्टेंस है मेरी वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी। ए की फॉर्मूला मुझे पता है ज़िंदगी का, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैं ये दूरी कहूँ कि बताओ ये एक्स पी दूरी कितनी है, तो आप क्या कहेंगे, स्पीड इंटू टाइम, दूरी के लिए स्पीड इंटू टाइम। तो इसकी स्पीड है 45 और समय लग रहा है टी, तो इसका मतलब ये कितना हो गया 45 टी। तो 45 टी ये दूरी हो गई एक्स पी वाली, ठीक है दोस्त। तो ये यहाँ पे इसके लिए आ गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 45 से ही तो ये अभी आगे भी जा रहा है और कितनी देर तक चलता है 24/5 समय तक, तो इसके साथ भी मैं 45 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे ये पी वाई दूरी मिल गई, कोई परेशानी की बात नहीं है। ऐसे ही मैं आपसे अगर पूछूं कि ये जो बी वाला है, बी वाला तो एक्स किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से चल रहा था, एक्स किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से, तो ये जो दूरी है पी वाई ये क्या हो जाएगा, टी समय तक चला। तो इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स टी लिख सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक की दूरी को एक्स टी। और ये अभी एक्स से ही आगे बढ़ रहा है और कितनी देर तक चलता है 10/3, तो इसका मतलब ये वाली दूरी मेरी कितनी हो जाएगी इनटू एक्स। तो ये जो डिस्टेंस है मेरी यहाँ से यहाँ तक, ये दूरी भी मुझे मिल गई, ठीक। अब आप बताइए कि क्या ये दूरी, क्या क्या एक्स पी
जो एक्सपी दूरी है, ये एक्सपी दूरी 45t है कि नहीं है, है कि नहीं है, बोलिए बोलिए मित्रों, एक्सपी 45t है, ठीक है, ये 45t है, और एक्सपी 10/3x भी है, एक्सपी 10/3x भी है, कोई दो राय नहीं है इसमें, ये दोनों चीज़ें हैं, ये एक्सपी हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं बताइए पी वाई क्या है, तो आप बोलेंगे पी वाई जो है वो एक्स टी है कि नहीं है, एक्स टी है, और क्या पी वाई ये है, बिल्कुल है, तो ये भी लिख देंगे 24/5 × 45, ये लिख दिया हमने, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोगों को निकालना क्या है, एक्स, अननोन क्या है हमारे पास, दो अननोन है एक्स टी, और इक्वेशन कितनी है, दो, जितने अननोन होते हैं उतनी ही इक्वेशन चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। तो अब मेरे पास दो अननोन हैं, दो इक्वेशन है, मैं सॉल्व कर लूँगा और मुझे आंसर मिल जाएगा। तो बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आप यहाँ से देखेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, मैं इसको हटा दे रहा हूँ ये, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब आपको यहाँ पे दो ही इक्वेशन ऐसे दिखाई पड़ रही हैं इक्वल टू के साइन के साथ, तो सिंपल सी बात है, मैं इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दे रहा हूँ, डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके मुझे मिलेगा क्या, ये टी और टी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैं यहाँ से ये इक्वल टू का साइन हटा दे रहा हूँ और यहाँ पे अपॉन लगा ले रहा हूँ, इस इक्वल टू को यहाँ मिडल में ले आ रहा हूँ और एक बड़ा सा इक्वल टू इनके बीच में ले आया, कोई परेशानी नहीं है। तो अब मेरा ये जो टी और टी है ये कैंसिल हो गया और मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ पे आंसर बता सकता हूँ। तो मेरे पास ये आ गया 45/x, ठीक है, क्योंकि ये टी और ये टी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10x अपॉन 3, और ये वाला टर्म क्या लिखा हुआ है, 24 × 45/5, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ 5/24 × 45, ठीक है। तो मेरे पास ये हो गया, अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा और मुझे आंसर मिल जाएगा कि मेरे एक्स की वैल्यू चाहिए, तो मैं एक्स को इधर भेज दे रहा हूँ, बाकी सारे टर्म्स को इधर कर ले रहा हूँ, तो 45 × 3 × 24 × 45, और अपॉन में भेज देता हूँ 5 × 10, और यहाँ पे हो गया ये एक्स स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। तो बस अब आपको इसको सॉल्व करना है और आंसर पाना है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो बस आपको यहाँ पे ये सिंपल से स्पीड निकाल लेनी थी। अच्छा, अब दूसरी चीज़, ये जो है ये तो था पूरा कॉन्सेप्ट। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपको इतना बड़ा क्वेश्चन अगर आएगा तो कैसे करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, t1/t2 जो भी यहाँ पे आता है, ठीक है, मतलब कि आपको मैं कहता हूँ t1/t2, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सा ये जो इनकी वेलोसिटीज़ का इन्वर्स होता है, ये सिंपल इनकी वेलोसिटीज़ के स्क्वायर, ये रेशियोज़ का आपस में ये रिलेशन आता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, कुछ ट्रिक्स से रिलेटेड कुछ भी जो बातें होंगी वो हम लोग वीडियोस में नेक्स्ट देखेंगे क्या होना है, लेकिन अभी आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पकड़ के ही चलिए, ठीक है। तो क्वेश्चंस को आप लगाइएगा, सॉल्व करिएगा, और आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे इन चीज़ों को जो कॉन्सेप्ट से होती हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और जो बीच में बेल आइकन बना हुआ है, इस बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि आपको जो नोटिफिकेशंस हैं वो ज़रूर मिले। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, चलिए थैंक यू, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हो सकता है कि हमारा टाइम वर्क और पाइप सिस्टम और इन सब से रिलेटेड हो, ठीक है, या हो सकता है कोई और भी चैप्टर उठा सकते हैं अलजेब्रा, तो जैसा मूड करेगा वैसा हो जाएगा। चलिए तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, आप लोग पढ़िए, लगातार मेहनत करिए, थैंक यू।